हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ यार सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेके आ गए सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग सेडर पैक मोड। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नहीं दो नहीं, आप लोगों को डायरेक्टली देने वाला हूँ तीन सेडर पैक, जो कि आपके लो एंड यूज़ में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर गया और काफ़ी खतरनाक दिखाई देने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर कोई बंदा पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला जो सेडर देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को वाटर का रिफ्लेक्शन काफ़ी ओपी वाला मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप लोग वाटर देख सकते हैं, यहाँ पे वैसे मैंने वाटर ही रखा हुआ है। और यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह है उसका लुक भी काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज हो जाने वाला है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा। यहाँ पे ग्लास की बात करूँ तो ग्लास भी काफ़ी ओपी दिखाई देगा। अगर आप लोगों में अगर डिफरेंट लगे तो वो सिर्फ इसके बादल में, तो यार थोड़ा बादल में इसमें रिफ्लेक्शन मिल जाता तो काफ़ी ओपी वाला लुक ये हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे रेल पटरी कुछ इस टाइप की हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखो, मैंने रेड स्टोन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन उसका लुक कुछ इतना अच्छा तरीके से नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें जो वाटर रिफ्लेक्शन है, साथ ही साथ बादल का रिफ्लेक्शन है, उतना ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो उजाला है वो भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाता है। आगे आप लोगों को जो थर्ड नंबर वाला सेडर बताऊंगा, वो शायद से आप लोगों के लो एंड डीएस में वर्क ना करे, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को शायद अगर 4GB रैम से ऊपर वाला होगा तो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर जाएगा। तो वीडियो में शुरू जाएगा, एंड तक बने रहना गाइस। तो यहाँ से आप लोग जैसे कि देख रहे हो, कुछ इसका ब्लॉक कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, बादल रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप का मिल जाता है, और वाटर का रिफ्लेक्शन आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया था। यार वाटर इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को ये वाटर रिफ्लेक्शन वाला कैसा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताना। जो सेकंड नंबर वाला है वो इससे मतलब थोड़ा सा डाउन कंडीशन का है, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना। तो इसमें आप लोगों को वाटर रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वो सेकंड नंबर वाले सेडर की और, तो वहाँ पे आप लोगों को वो सेडर दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आप लोग इसका सन का जो रिफ्लेक्शन है वो देख लो, सन पूरा यहाँ पे गोल आप लोगों को सन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ओपी वाला आप लोगों को लुक दे देगा। इसमें वाटर रिफ्लेक्शन काफ़ी ओपी वाला हम लोगों को मिल जाता है। तो चले गए, चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेडर की ओर। तो ये सेडर कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को कोई और सेडर चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर देना, वो सेडर का वीडियो भी जल्दी से जल्दी बना दूंगा। चले गए, चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेडर की ओर, देख लेते वो सेडर किस टाइप का देखने को हम लोगों को मिल जाता है। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सेकंड नंबर वाला सेडर हम लोगों को कुछ इस टाइप का मिल जाता है। इसमें हम लोगों को बादल का रिफ्लेक्शन वो काफ़ी ओपी वाला मिल जाता है, वाटर का रिफ्लेक्शन आप लोग पूरा वाटर यहाँ पे हिल रहा है आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो इसमें आप लोगों को वाटर रिफ्लेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलता है और बादल का रिफ्लेक्शन भी काफ़ी ओपी वाला मिल जाए। लेकिन इसमें अगर बात करूँ तो हम लोग जैसे सामने देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को उतना अच्छा खास नहीं दिखाई देता, और हमारा शेडो वगैरह काफ़ी ओपी वाला हम लोगों को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे डोर्स का लुक इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जो थर्ड नंबर वाला है इसमें आप लोगों को सभी का सभी चेंजेस लुक, मतलब सबका लुक चेंज किया हुआ मिल जाएगा। तो इस ये वाला सेडर आप लोगों के लो एंड यूज़ में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर जाएगा, ये लैग भी नहीं करेगा। यहाँ पे इसकी जो पटरी है कुछ इस टाइप का हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो पटरी का लुक मुझे यार अच्छा लगा, वैसे उतना खासा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों को लो एंड यूज़ में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर जाएगा। और यहाँ पे बुक सेल्फ वगैरह हम लोगों ने रखा हुआ है, तो उसका लुक भी काफ़ी ओपी वाला आ रहा है। चेस्ट वगैरह में कोई उसका लुक चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने आइटम फ्रेम के ऊपर आइटम्स रखे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी हम लोगों को दिखाई दे जाती है, आप लोग देख रहे हो। तो ये आपके लो एंड डीएस में अच्छी तरीके से वर्क कर जाएगा। ज़्यादातर यार कमेंट करते हैं कि लो एंड डीएस के लिए लेके आओ, इसलिए मैं ये सेडर बना रहा हूँ, कि ये सेडर बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि लो एंड डीएस में अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पे ग्लास का रिफ्लेक्शन आप लोग देख सको, ग्लास भी आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसमें सबसे खास था ये सन वाला लुक यहाँ पे देख रहे हो, ओरिजिनल जैसा सन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बादल भी यहाँ पे हिलते डुलते रहते हैं, वो अच्छी बात है। चले गए, चलते हमारे नेक्स्ट सेडर की ओर। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ओपी वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है, काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पे आप लोगों का जो प्लस पॉइंट आता है उसमें भी चेंजेस हो गया है। और यहाँ पे जो तलवार आपकी सॉल्व वगैरह होती है तो उसमें काफ़ी अच्छा आप लोगों को चेंजेस वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग चेस्ट वगैरह भी देख सकते हो गाइस, और यहाँ पे बुक सेल्फ वगैरह सब कुछ की पूरी तरह से चेंजेस किया गया है। रेल पटरी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ओपी वाला लुक आप लोगों को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग ये वाली रेल पटरी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग देख ही रहे काफ़ी ओपी वाला चेंजेस आ गया है। यहाँ पे लकड़ी है तो लकड़ी का लुक भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को पेड़ पत्ते वगैरह भी दिखा दूँ, यहाँ पे हिलते वो काफ़ी ओपी वाला लुक आप लोगों को मिल जाता है। यार कैसा लगा ये मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे सभी ब्लॉक्स का पूरी तरह से लुक चेंज हो गया है। यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक का भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे लुक चेंज वगैरह हो गए हैं। डोर्स का अगर पूरी बात करूँ तो यहाँ पे डोर भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों को चेंजेस यहाँ पे किया हुआ मिल जाता है। देख रहे हो का इस पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया। इसमें अगर मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी तो वो है इसमें ये जो बादल, अगर बादल पूरी तरह से यहाँ पे काफ़ी इसका रिफ्लेक्शन अच्छा हो जाता तो काफ़ी ओपी लगता गाइस। तो आप लोगों को यहाँ पे बादल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर का लुक भी उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। तो ये वाला कैसा लगा यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसका मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा MB की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैक्सिमम आप लोगों को 20 MB के आसपास में मिल जाएगा। आई थिंक ये 17 MB का है, तो काफ़ी ओपी वाला आप लोगों को ये लुक मिल जाने वाला है। कैसा लगा ये स्ट्रक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ऑन जरूर से कर देना, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए, सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। वीडियो को करते ही आप एंड, तो अगर आप लोगों को ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, आप लोगों के पास कौन सा फ़ोन है, आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि उस मोबाइल के लिए सबसे अच्छा सेडर कौन सा है, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कैसा है। तो वीडियो को यहाँ पे करते हैं, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।